मालवे जी गुड मॉर्निंग, नींद पूरी हो गई आपकी? 11 बज रहे हैं, गुड मॉर्निंग। सुबह 7 बज गए हमको सोते सोते सोने। मेरे को तो नींद नहीं आई, फिर आ गई, 2 घंटे भी लग गई थी 10:30 बजे। लाइट बार बार जा रही है, अभी भी जा रही है, पता नहीं अभी भी थोड़ा सा मिस्टीरियस है। चलो उठ उठ के आते जाते वहीं देख रही है, कभी इससे पहले नहीं देखा उनको, और आते जाते दिख रही है ऐसे, तो कहीं कोई लाश टुकड़े कर के ले जा रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। अब पता नहीं क्या है यार, इतनी बड़ी मेहनत के बाद फ्री होके हमने आज कढ़ी चावल बनाए, और जैसा कि मालवीय जी को पसंद है तो मालवीय जी की बेटी को तो कॉपी है उनकी। देखो कैसे खाना खा चुके हैं, मैंने कढ़ी उसको दिया नहीं कि अभी अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा, लेकिन ये दूर रखा है थोड़ा सा। और ये क्या चल रहा है, कढ़ी यहाँ फिंगर डुबोना है, लिक कर रहे हैं ऐसे दीदी हल्की। ये कढ़ी खट्टी है, इसमें मीठा नहीं डाला, हम लोग मीठा नहीं डालते हैं। देखो कैसे मुंह, देखो कैसा खराब कर रखा है इसने। मेरे लड्डू गोपाल ने क्या दोस्तों, 5 बज गए हैं, पास लेकर आओ हमारे वीडियो, 5 बज गए हैं। आज का वीडियो आप लोगों ने कल वाला जो वीडियो आपने देखा होगा, जो हमारी सोसाइटी के सामने जो हुआ हमने बचाने में, उसको एडिट करने में 4 बज गए, क्योंकि उम्मीद है आप लोगों ने चाय भी पी ली होगी। वैसे चाय भी बनाते, मुझे पता था चाय का बम मेरे ऊपर ही पटेता है, चाय की याद दिला दी। दोस्त लोग कह रहे हैं हम वो चाय पी रहे हैं साथ में। ओहो, आप यहाँ पियोगे वर्चुअली? वर्चुअली क्यों, मैं तो रियल में पीऊंगा, वो लोग वर्चुअली पी रहे हैं। तो दोस्तों पंचायत देखी कि नहीं देखी? तो रचना और सारने को पंचायत करने का बहुत शौक है। और ये जो वीडियो पंचायत का रिव्यू प्लस भूल भुलैया 2 का रिव्यू हम देना चाह रहे थे, मगर सामने इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो वीडियो छोड़ दी हमने, इमीडिएट डाला वो वाला वीडियो सर्वाइवल। क्या हुआ, पानी पीने आना है? तीखा लग गया। तो रचना चलना टाटा पंच देखने है? नहीं देखना, रचना को बड़ा बोरिंग लगता है। तो टाटा पंच देखने का प्लान था, संडे है, और किया कि सोनेट देखना था, मगर 5 बज गए हैं और वीडियो में देर हो गए, तो चल सकते हैं क्यों रचना, चल सकते हैं 5 बज गए तो क्या हुआ? देखते चाय फिर नहीं पियेंगे, चलो बाहर पी लेंगे। तो दोस्तों संडे बड़ा अच्छा नहीं जा रहा है यार, संडे को बोरिंग संडे हो गया। वो ही है फ्लैट, वो ही है। तो दोस्तों बज रहे हैं रात के 11:30, हम तो अभी 12:30 बज रहे हैं, अभी हम पंचायत देख रहे हैं, मगर साथ साथ में आज वो सामने जो दिख रहा है ना, वो जो है फ्लैट वो है। आज सुबह से वहाँ पे पर्दा है, कभी ऐसा हुआ नहीं है, आज पहली बार कोई झांक के देख रहा है वहाँ से। रचना देख, अब पर्दा हटा, पहली बार पर्दा हटा है। अच्छा मोबाइल में देख रहे हैं, क्योंकि अपने मोबाइल इसमें मोबाइल नहीं। तो रचना सुबह से उस पर निगरानी रख रही है, मतलब कि आते जाते ऐसा नहीं कि यहीं बैठी हो, और मुझे ऐसा लगा कि दिन भर यहीं बैठी रही। और आज संडे हमने कुछ नहीं किया, हमको जाना था टाटा के शोरूम पे पंच देखने, किया के मोटर्स पे देखने, मगर क्या हुआ कि कुछ खुली है, क्योंकि वो पर्दा है पीछे। क्या चलो, हाँ आधी खुली, मतलब पर्दा है पीछे, गर्मी है ना इसलिए। हाँ वो तो जहाँ यहाँ खड़ा होता ना, हाँ कल अपन इस मोबाइल से बनाना था नहीं, और क्लियर दिखता है। आईफोन होता तो मज़ा आता ना, लाइट की जरूरत, वो गाड़ी की जरूरत है कि आईफोन की। दोस्तों गुड मॉर्निंग, रात को वैसे भी नींद आई तो नहीं है हमारे पास, मगर हमारे पास है आज सत्तू। सत्तू बनाइए, क्योंकि रात को सो नहीं पाए, जैसे आपको बताइए क्या हुआ था कल। तो पानी में थोड़ा सा शक्कर को हमने गला दिया है, और उसके बाद हम सत्तू बनाएंगे। आपके सत्तू कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा मैं इसको पानी में जो शक्कर मिलाई है उसको घुलने देते हैं, और इसको मैं रख देता हूँ थोड़ा फ्रिज में। तो थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाएगा और खाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि नींद तो हुई नहीं है, तो कमजोरी भी आ रही है, कमजोरी मतलब पेट में जलन, क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी, सत्तू उसको भरपाई कर देगा सब न्यूट्रिशन। और गीत की मम्मी उठी हुई है, दिखाने लायक है नहीं, आपको पता ही है तो क्यों। तो हम ढो रहे हैं, इतने 70-80 ब्लॉग्स हैं, और मतलब प्रैंक में भी हम बहुत दिन से ढो रहे हैं, मगर वी डोंट हैव, मतलब आई डोंट हैव अदर ऑप्शन, तो
आप भी उसे सहो जितना हो सके, है ना। फिर भी देखना चाहो तो देख ले, झलक क्या जा रहा है, मूड खराब होगा और क्या होगा। ठीक है, ये देख लो ऐसे पढ़े हैं, और एक्चुअली पढ़े हैं इसलिए कि आज यहीं से नज़र रखी जाएगी सामने। दूरबीन मंगाने का बोला था इसने, मैं तो लेके नहीं आया, मैं कहाँ से लेके आऊँ दूरबीन। बाइस को क्या बोलते रहते ना, दूरबीन और बाइक कूलर, मेरे को नाम ही नहीं पता मैं कहाँ से लाऊँगा। देवी जी की अचीवमेंट है कि देवी जी सुसु जाने लगी है टॉयलेट में। कल 3 से 4 बार गई, पर क्योंकि वॉशरूम की लाइट ऑफ रहती है तो वहाँ हमको लाइट एक आदमी तो चाहिए। अभी मुझे लगता है 3-4 दिन है तो फिर से जाने लगी खुद ही से, तो ये अचीवमेंट है। कल देवी जी ने हमारे खुद ही से गई तो अच्छी बात है, और नए नए वर्ड सीख रही है, बोल रही है। तो दोस्तों 10 मिनट बाद हो सकता है कि पानी ठंडा हो गया हो, आए हाय बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, और मुझे लगता है जो हमने शुगर मिलाई थी वो भी घुल गई है। दोस्तों बन गया है, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कि इसमें जो लम्स बन जाते हैं ना उसके सत्तू के, उसको बहुत टाइम लगता है, तो 10 मिनट लगे मुझे। अब देखो लिक्विड बनाया मैंने, तो बना ना अभी ला रहे हैं पापा ने। गीत खाएगा सत्तू, पता भी है क्या है, आपने खाया कभी? चलो आओ, चलो 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 चलो, यम्मी कैसा बना है, यम्मी। देसी बच्चे ऐसे होने चाहिए भाई, सत्तू उभार रहे हैं, ये देखो देसी बच्चों की मम्मी। सुबह सुबह खरबूजा खा चुके हैं, मुझे निकलना ऑफिस, तो हम चाह रहे हैं कि कल वाला जो ब्लॉग हम कल शूट नहीं कर पाए, दिन भर क्या क्या रचना नहीं देखा ध्यान दिन भर, तो रात को एक दो बार मैं उठाऊँ। मैं भी उठी थी अभी मॉर्निंग में, एक्चुअली मुझे थोड़ा पेट में जलन हो रही है, पानी की कमी हो गई है क्या? आप दिन में आ जाना ऑफिस, खाना अभी तो नहीं बना। हाँ ठीक है, दिन भर ये सत्तू खा लिया मैंने तो हैवी हो गया। मैं अभी आज कार डाल के आऊँगा, और अगर कार में कम पैसे लगते हैं तो सही करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो फ्रेंड्स, कल हम दिन भर एज सच व्लॉग्स नहीं कर पाए, ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, बिकॉज क्या हुआ ना, वो रात में नींद टूटी एंड थोड़ा सस्पेंस वाला था, नींद पूरी नहीं हुई तो पूरा दिन थोड़ा बर्बाद सा चला गया। बट हमने देखा रात में भी और दिन में भी, उस घर में दिन में तो खिड़की बंद है, अंधेरा मतलब दिखता नहीं है, रात को जब शाम को उजाला उन्होंने लाइट जलाई तो थोड़ा बहुत देखा, जैसे फैमिली जॉइंट फैमिली या बच्चों वाली फैमिली थी, मतलब लड़कियां थी, टीनेज एज की, बच्चे नहीं थे, लड़का था। और रात में भी 11 बजे के आसपास, शायद 12 या 11 बजे लाइट ऑफ हो गई थी। रात में भी हम उठे कि कुछ ऐसा हो तो कुछ नहीं था ना, उन्होंने खिड़की खोली, जब से पुलिस गई उन्होंने खिड़की नहीं खोली उस रूम। सुबह जब 5 बजे उठे मालवीय जी, तब भी उन्होंने रिकॉर्ड किया, तब भी वो लोग सोके नहीं उठे, मतलब आज वो ऐसे टाइम पे सोके नहीं उठे उनकी फैमिली कि उन्हें लाइट जलानी पड़े, जबकि कल जो था 5:15 पे लाइट जल गई थी उन लोगों की। तो मतलब मेरा तो दिल ये कह रहा है उस दिन कुछ ना कुछ तो था, दो चीज़ें हो सकती है, या तो सच में कुछ गड़बड़ थी वो, तो क्योंकि मैंने भी देखा है, मालवीय जी ने भी देखा है, गार्ड ने भी देखा है, पुलिस बस अंदर नहीं गई है, हम फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब क्या बोले, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या था, वो बंदा क्यों झांक रहा था और क्यों वैसे किया गया था, मतलब थोड़ा सा अजीब सा केस रह गया। आप लोग कह रहे हैं एंडिंग बताओ, कहानी नहीं है कि मैं एंडिंग बना के बता दूँ, एंड ऐसा ही हुआ उस सिचुएशन का। और जैसा आप लोग कह रहे हो कि आज के ज़माने में मदद करना बहुत मुश्किल है, तो हम भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, हमने अपने तरफ से पूरी मदद की, आपने देखा तुरंत फ़ोन किया, मालवीय जी अकेले गए, पुलिस बुलाए, हम इतना ही कर सकते हैं। अब अगर हम बियॉन्ड द लिमिट जाके गेट धक्का दे के अंदर जाके ढूंढना, उतना हम नहीं कर सकते, सच है ये, है ना, वो काम पुलिस का है, हम नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं 10-20% डाउट रह गया इस बात का कि कोई बच्चा कर रहा होगा या किसी ने शरारत करी होगी, है ना, तो उस डाउट को हम भी क्लियर नहीं कर सकते। या तो वहाँ कुछ गलत हो रहा हो तो हमारे रिस्पॉन्ड करने से वो हट गया हो, वो चीज़ ना हुई हो, या फिर कुछ ना हो रहा हो या हो चुका हो, दैट्स इट। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। जैसा कि हमारी सोसाइटी में फ्लैट वाला केस हुआ था,
उसमें भी हमें पुलिस की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ का मैटर था। जब वाइफ कह ही नहीं रही है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो कोई और उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सोसाइटी को इन्फॉर्म कर दिया था, ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमने निभाई थी। यहाँ पे ही मुझे लगता है हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा तरीका, और यहाँ पे भी मेरे हिसाब से मालवीय जी ने सफिशिएंट काम कर दिया था। पुलिस के आगे हम नहीं हो सकते, पुलिस हमसे आगे ही रहेगी, फाइनल डिसीजन उनका ही होगा। इन फ्यूचर कुछ होता है तो हम रिकॉर्ड करके जरूर एविडेंस या सबूत पुलिस को दे सकते हैं। मालवीय जी आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरा एक मन था कि लैपटॉप में, क्योंकि उस समय तो हम दिखा नहीं पाए, पुलिस आई थी तो क्योंकि कैमरे में बस था, अभी लैपटॉप में है, क्लियरली दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं, गार्ड को भी दिख रहा है, मगर हम दिखाते हैं तो वो एक है कि पुलिस कहे कि शरारत होगी किसी बच्चे की, मगर शरारत थी तो वो आदमी बार बार खिड़की पे आके क्यों देख रहा था, झांक रहा था कम से आधा घंटे, उससे अंधेरा था ना, तो हमारी आंखों से वो बंदा हमें दिखा, कैमरे में तो नहीं दिखा वो, कैमरे में अंधेरे वाली चीज हमारे में इतना हाईटेक नहीं कि अंधेरे वाली चीज उस कैमरे में कैद हो जाती, तो वो चीज किसी को दिखी नहीं जो हमने देखी थी। वो ये है कि अगर बच्चा शरारत करता तो बाद में आके क्यों, बच्चा है भी नहीं, टीनेज एज के बच्चे हैं यार, और रिस्पॉन्ड किया आपने देखा, जब मैंने किया था तो वहां से रिस्पॉन्ड नहीं आया था, मैंने एक डाउट देखा, छीन के खींच के ले गया था वो आदमी उसको, उठा तो था बंदा यार, देखो मुझे तो 100% ऐसे ही रहेगी आई थिंक, 100% कुछ है, क्योंकि देखो हम, मेरा मन तो कर रहा है कि लैपटॉप ले जाके पुलिस को दिखाऊं, मगर पुलिस मुझे लगता है कंक्लूसिव एविडेंस मुझे अभी तक नहीं लगता है, अगर वहां आदमी वाला एविडेंस हमारे पास कैमरे में कैप्चर हो जाता क्लियरली, क्योंकि हमने आपको को तो दिखाया कि आ रहे जा रहे हैं, मगर कैमरे में नहीं दिख रहा है, और तो छोड़ो उसको, छोड़ो मतलब कि हो सकता है वो बला टल गई होगी उस समय, जो मुसीबत होगी उस पे आदमी पे, या हो भगवान जाने, कल आएगा बेडिंग वीडियो तो हमको एक दिन बन जाएगा एडिटिंग के लिए, तो कल का बेडिंग वीडियो पार्ट टू देखना, जिसमें कि संगीत है रचना का, अब मेरे आगे मंडप में हल्दी वगैरह का प्रोग्राम होगा, वो दिखाएंगे, मेरी बनात निकलेगी, रचना क्या बनात जाएगी, हमारे स्टेज पे क्या प्रोग्राम होते हैं, तो उतना हमने रखा है, बन गया तो मान लीजिए बना नहीं रहे हैं। नहीं यार मुझे थोड़ा सा उसमें क्या जो सॉन्ग यूज होना डीवीडी में वो कॉपीराइट ना आए, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा बचा के चल रहा हूँ, आपको एंजॉय भी हो बैकग्राउंड में साउंड जो म्यूजिक है, और मैं कॉपीराइट भी नहीं आएगी। जग्गा जासूस की हो गई तबीयत खराब, तो पी रहा है नारियल पानी क्योंकि रात भर जाग रहे हैं, इसको दूसरा ला रहे हैं ना, गीत ला रहे हैं, नारियल पानी आओ आप लेके आएंगे।